ठीक है भैया क्या विद्युत क्षेत्र देखो विद्युत क्षेत्र देखो ये क्या है क्या नाम है स्प्रिंग स्लिंकी दोनों टाइप की वेव समझते हैं कौन कौन सी एक तो अनुप्रस्थ में क्या होता है माध्यम से कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलेंगे और अनुदैर्ध्य में माध्यम से कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश चलेंगे ठीक है ध्यान रख लोगे अच्छा ये जो एग्जांपल है स्लिंग की इससे दोनों टाइप की वेव बनती है दोनों टाइप की मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों टाइप की बनती है आगे बात करें अच्छा अनुप्रस्थ वेव कैसे चलेगी ऐसे ऐसे आगे बात करें और अनुदैर्ध्य कैसे चलेगी संपीड़न और विलंब के रूप में फैलेगी सिकुड़ेगी फिर फैलेगी फिर सिकुड़ेगी फिर फैलेगी फिर आगे बात करें अच्छा ये कौन सी तरंग है विद्युत चुंबकीय अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंग हम किसे कहेंगे ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं जो निर्वात में भी ग्रहण कर सकती है और जिनका निर्वात में जो वेव होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है मतलब 310 की घात 8 मीटर पर ये बात समझ में आ गई अच्छा सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे बनेंगी ठीक है आ जाओ आ जाओ ठीक है अब इससे हमें कौन सी तरंग बनानी है बोलो अनुप्रस्थ बनानी है तो कैसे चलेगी सांप के जैसे ठीक है ये जो तरंग है ये कौन सी तरंग है अनुप्रस्थ आगे बात समझे ये अब यहाँ पर एक और बात आप ध्यान दोगे क्या बात ध्यान दोगे कि यहाँ से जो हलचल मैंने उत्पन्न करी थी जो विक्षोभ उत्पन्न किया था वो विक्षोभ वहां पहुंचा और वापस लौट कर वापस आ रहा है ठीक है इसे बोलेंगे तरंगों का परावर्तन तरंगों का तरंग एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएगी और टकरा कर वापस लौट कर वापस आ जाएगी ठीक है तो ये तो तरंग कौन सी है अनुप्रस्थ अब कौन सी तरंग बनानी है अनु अनुदैर्ध्य बनानी है अनुदैर्ध्य कैसे बनेगी संपीड़न और विलंब के रूप में चला है संपीड़न और विलंब ये जो संपीड़न और विलंब है ये जो तरंग है तरंग कौन सी है आगे बात समझे इसमें जो कंपन थे वो कंपन कैसे थे कैसे थे सिकुड़ेंगे फैलेंगे सिकुड़ेंगे तो यहाँ जो माध्यम का विक्षोभ था माध्यम में हलचल थी माध्यम के कण जो कंपन कर रहे थे वो तरंग संचरण की दिशा का अनुदेश तरंग ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है तो कण भी कैसे कंपन कर रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस प्रकार की तरंग है उस तरंग को कौन सा तरंग बोलेंगे अनुदैर्ध्य देखो मतलब रूप में चलेगी संपीड़न और विलंब के रूप में आगे बात सुनना संपीड़न किसे कहेंगे संपीड़न उस स्थिति को कहेंगे जहां दाब और घनत्व सामान्य स्थिति से ज्यादा है और विलंब किसे कहेंगे जहां दाब और घनत्व सामान्य स्थिति से ये बात समझना आई कि नहीं आई आगे बात सुनना अब बात करते हैं श्रृंग और गति की श्रृंग और अच्छा श्रृंग और गति की बात हम कौन से तरंगों में करेंगे अनुप्रस्थ में और अनुदैर्ध्य में किसकी बात करते हैं संपीड़न और विलंब अब देखना ऊपर की ओर मैक्सिमम विस्थापन श्रृंग मैक्सिमम विस्थापन की स्थिति जो रहेगी वो श्रृंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति जो रहेगी वो क्या रहेगी ऊपर की ओर जो
विस्थापन हो रहा है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति उसे तो क्या बोलेंगे श्रंग, और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त। तो क्रमागत श्रंगों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे तरंग दैर्ध्य लैम्डा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला समय अब इस वाले तरंग को समझते हैं। देखो बैठ, ये तो तरंग है, ये तरंग इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे चलते हैं? विद्युत क्षेत्र चलेगा ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र चलेगा ऐसे ऐसे। आगे बात सुने, अच्छा बोर्ड के तल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये तो चल रहा है अपन विद्युत क्षेत्र, और बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड का तल ऐसे ऐसे लंबवत किस डायरेक्शन में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र चलेगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आगे बात सुने, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र कैसे चल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र आगे पीछे पीछे आगे, हाथ को देखना मेरे आगे पीछे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आगे बात सुने, विद्युत क्षेत्र कैसे है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर तरंग कैसे जा रही है? आगे आगे। आगे बात सुने, ठीक तरंग के चलने के डायरेक्शन ये थे x अक्ष का z अक्ष का अनुदेश। आगे बात सुने, और विद्युत क्षेत्र जो कंपन कर रहा है वो किस अक्ष का अनुदेश कंपन कर रहा है? x अक्ष के अनुदेश। और चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहा है y अक्ष के अनुदेश। अब इन तीनों ध्रुवों को अगर साथ में मिला दें तो क्या कहानी बनेगी देखना। चुंबकीय क्षेत्र की कहानी क्या है? विद्युत क्षेत्र की कहानी क्या है? ऊपर नीचे। आगे बात सुने, तो दोनों साथ में नीचे दोनों साथ में ऊपर दोनों साथ में नीचे दोनों साथ में ऊपर, ये ऐसे कहानी चलेगी, ये तरंग ऐसे चलती है। समझ में आया? एक और बार देखिए कैसे चलेगी, ठीक है? ये तरंग चलेगी। अच्छा सोच के देखो, ये जो तरंगे हैं एक विमीय है द्विविमीय है या त्रिविमीय है? कौन सी है? त्रिविमीय। कैसे पता चला? क्योंकि तीनों डायरेक्शन में x में y में, x में तो विद्युत क्षेत्र है, y में चुंबकीय क्षेत्र है, और z अक्ष का अनुदेश खुद तरंग जा रही है, कोई तरंग जा रही है। तो ये कौन सी तरंगे हैं? एक विमीय द्विविमीय या त्रिविमीय? कौन सी है? त्रिविमीय। आगे बात